विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई की खबर से पूरे देश में खुशी की लहर आ गई है। इस मौके पर हिमाचल कांग्रेस ने बताया कि उन्होंने विंग कमांडर की रिहाई के लिए कैंडल मार्च करने की घोषणा की थी, लेकिन अब उसे रद्द कर दिया गया है। साथ ही कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करती है। इस मौके पर हिमाचल कांग्रेस के महासचिव रजनीश किमटा ने कहा, बीजेपी को हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये देश की सुरक्षा का मामला है और पूरा विपक्ष इस वक्त सरकार के साथ खड़ा है और हमें देश की सेना पर गर्व है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पीएम शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले वे पाकिस्तान में आतंकियों पर कार्रवाई करें और आतंकवादियों की जो सूची भारत ने पाकिस्तान को सौंपी है उन आतंकियों को भारत को सौंपे। देखिए, अगर इमरान खान कहते हैं पीस जेस्चर की बात है तो ये बड़ी अच्छी बात है, परंतु पाकिस्तान से जो क्रॉस टेररिज्म है वो तो पाकिस्तान को बंद करना ही चाहिए। उनके जो ठिकाने हैं, जो आतंकवादी वहाँ पे अपने आज भी अपने ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, जब तक इमरान खान उन चीज़ों को बंद नहीं करवाएंगे, और जो हमारी सूची है भारत सरकार की, चाहे वो हमारे ज़माने यूपीए के टाइम से है, चाहे अभी के टाइम से है, 26/11 की बात करें हम, चाहे वो पठानकोट की बात करें या अभी पुलवामा की बात करें, जो भी इसमें कल्प्रिट्स है, जो भी हमारे भारत सरकार ने उनको डोजियर दिया है, उसके मुताबिक पाकिस्तान को कार्य करना चाहिए। अगर पाकिस्तान इसमें सीरियसनेस दिखाता है तो हमें खुशी होगी इस बात की, और भारत सरकार से हमारी यही है कि हर चीज़ को, ये देश की सुरक्षा की बात है, हर चीज़ को आप पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते, हर चीज़ को आप राजनीतिक मुद्दा नहीं बना सकते, ये हमारे आंतरिक सुरक्षा का मामला है।